पिछले वी, वीडियो सेगमेंट में ये देखा था कि तीन ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर हम प्लेसेंटा को क्लासिफाई करते हैं जिसमें से पहला क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर थ्री टाइप्स की प्लेसेंटा हो सकती है योग सेक् प्लेसेंटा जिसको हम विटेलाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा सेकंड हमारा जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय है जिसमें अगेन थ्री टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम पहले देख लेते हैं यहां पर सो थ्री टाइप्स होते हैं नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा सेकंड वन इज डेसिडुएट प्लेसेंटा एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा अगर हम और डिटेल की बात करते हैं तो जो फर्स्ट नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा है फर्दर वो थ्री और डिवाइडेड हो जाती है ग्रुप्स के अंदर पहली होती है डिफ्यूज diffuse, डिफ्यूज uh, होना चाहिए यहाँ पर डिफ्यूज नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा एनडीपी का मतलब मैंने न, यहां पर नॉन डेसीडुएट प्लेसेंटा कहा है देन कॉर्टीलेटनरी एनडीपी एंड इंटरमीडिएट एनडीपी सेकेंड हमारे पास है डेसिडुएट प्लेसेंटा उसके अंदर जोनरी डिस्कॉइडल एंड मेटा डिस्कॉइडल थ्री टाइप्स आ जाते हैं एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लेसेंटा थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स के बेसिस पर जिसमें जो फर्स्ट वन है यहां पर वो है इपीथिलियो कोरियल टाइप सिंडेसमो कोरियल एंडोथ कोरियल हीमो कोरियल एंड हीमो एंडोथिलियल एंड नाउ हम लोग जो फर्स्ट यहां पर डिटेल जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो यहां पर आ जाती है योग सेक प्लेसेंटा ऑल्सो नोन एस विटेलाइन प्लेसेंटा ना अगर हम योग सेक पेसेंटा और विटेलाइन प्लेसेंटा की डिटेल्स की बात करते हैं तो इसका एक और नाम जो यहां पर होता है वो होता है यहाँ पर ओमफेलोइडियन प्लेसेंटा ऑन्फेलोइडियन प्लेसेंटा इसका सेकेंड नेम होता है जिसको आपको याद रखना है एक एक और यहां पर थोड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लेसेंटा होती है ऑन्फेलोइडियन प्लेसेंटा ये मेटाथीरियंस और मार्सुपियस में पाई जाती है जनरली तो मेटाथीरियंस की स्पेलिंग और मार्सुपियस की आप यहां से देख सकते हैं मार्सुपियस में जैसे कैंगरू जिसको हम माइक्रोपास कहते हैं ओपोसम जिसको हम डायडेल्फिस कहते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में योग सेक प्लेसेंटा पाई जाती है एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है कि ये जो प्लेसेंटा होती है किसकी बनी होती है तो ये योग सेक की और कोरियोन की दोनों मिलकर बन जाती है तो योग सेक और कोरियोन मिलकर योग सेक प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम पहले यहां देखेंगे फिर हम डिटेल्स में जाएंगे इसके तो जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पर ये यह जो लेयरिंग है यहां से लेकर ये पूरी जो लेयरिंग बन रही है इसको प्लेसेंटे कहा जाता है उसके बाद यहां पर एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये सोमेटो प्लोर है उसके बाद यहां पर ये यह जो बीच वाला पोर्शन बन रहा है पहले या फिर हम लोग इसको समझ लेते हैं ये जो एक लाइन यहां पर एक्स्ट्रा बन रही है इसको स्प्लेनो प्लोर कहा जाता है स्प्लेनो प्लोर ये इसका नेम है उसके बाद यहां पर ये जो छोटे छोटे विलय टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको ट्रोफोब्लास्टिक प्लास्टिक विलाय कहा जाता है फिर यहाँ पर बीच में योग सेक वाला पोर्शन है ये योग सेक यहाँ पर आ जाता है उसके बाद हमारे पास अगर और डिटेल की बात करते हैं तो ये जो बीच में एक स्पेस बन रही है मैं इसको अगर यहां पर मैंशन करूं ये जो बीच में ट्राइंगल टाइप ऑफ स्पेस आपको दिख रही होगी तो इस स्पेस को कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम को मैं ऐसे लिख रही हूँ स्पेलिंग आई होप आपको पता होगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो अंदर वाली एक लेयर चल रही है साथ साथ में इसको एंड्रोडम कहा जाता है तो ये है एंड्रोडम उसके बाद यहां पर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एमनियन है एमनियन उसके बाद ये वाली अगर लाइन की बात करते हैं यहां जो बन रही है इसको एमनियोटिक कनेक्शन कहा जाता है एस ई आर ओ एमनियोटिक की स्पेलिंग आपको पता है सीरो एमनियोटिक कनेक्शन तो मैं इसको एस ए सी यहां लिख रही हूं सीरो एमनियोटिक कनेक्शन एंड लास्टली यहां बीच में एमनियोटिक कैविटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा तो ये तो बात होगी एक छोटी मोटी जो लेबलिंग हो सकती थी डायग्राम की उसके बारे में अब ये डायग्राम इसका है तो ये एक VSA, वी एस ए वी एस है शोइंग योक showing योक and allantoic placenta, allantoic placenta. So we are showing, एक सेकेंड we are showing योक and allantoic placenta इन मैमल्स ये उसका डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इजी भी है एस सच अगर हम दूसरे डायग्राम से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी है तो आप इसको अपने एग्जाम्स में ड्रॉ करेंगे प्रॉपर्ली, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अब यहां पर अगर हम योग सेक की बात करते हैं तो जो योग सेक होता है ये जो लोअर पार्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का वहां से डेवलप करता है जो कि बहुत लार्ज पोर्शन होता है जैसे कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोर्शन योग सेक में बन रहा है सो so, लोअर पार्ट जो होगा ब्लास्टोसिस्ट का वहां से योग सेक का फॉर्मेशन होता है ऊपर से बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो कि नियरली एंटायर एम्ब्रियो को और जो एमनियोन है पूरा एम्ब्रियो और जो एमनियोन है उसको इनक्लोज कर सकता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि नियरली एमनियोन को और जो एम्ब्रियो है उसको अपने अंदर इनक्लोज कर सकता है पूरी तरह से अपने अंदर ले सकता है आप समझ सकते हो इनक्लोज का मीनिंग तो अब जो वॉल होती है योग सेक की वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है कोरियोन के साथ जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि अगर हम यहां से इसका आइडिया ले लें, अगर ट्रोफोब्लास्टिक विलाय का तो यहां योग सेक और ये दोनों पास पास में ये सो कहने का ये मतलब है जो वॉल होती है योग सेक की योग सेक की वॉल की बात कर रही हूं मैं इसकी जो कहना चाहिए वॉल होगी इसकी कवरिंग जो होगी वो किसके कांटेक्ट में रहती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है कोरियोन के साथ जो कि ट्रोफोब्लास्ट भी कहलाती है तो आपको सिंपली क्या याद रखना योग सेक की जो कहना चाहिए वॉल है वॉल वो किसके कॉन्टेक्ट में रहती है वो कॉन्टेक्ट में रहती है कोरियोन के कोरियोन के और कोरियॉन का दूसरा नाम क्या बताया है? हमने यहां पर ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट फाइन तो ये वाले पॉइंट्स को आपको याद रखना है जो जो मैं यहां मेंशन करती जा रही हूं इनका काम क्या रहता है ये एक फिंगर लाइक -like विलाय को भी फॉर्म करते हैं जो कि यूटेराइन वॉल के अंदर बाद में जाके अटैच हो जाते हैं तो देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्टिक विलय यहां पर बन रहा है ये ना फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस और मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यूटेरस के अंदर भी कहीं ना कहीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और एम्ब्रियो के अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये दो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं जैसे कि आप दो फिंगर्स को क्रॉस करने की कोशिश करें अगर आप अपनी फिंगर्स को भी क्रॉस करेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि जैसे फिंगर्स को जब हम क्रॉस करते हैं वो कितनी टाइटली होल्ड हो जाती है एक दूसरे से आ, साथ में आ जाती है तो वही चीज कहीं ना कहीं यहां होती है कि ये जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो विलाय है प्लस यूटेरस की जो विलाय है वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट फॉर्म कर लेते हैं सो so, ये वाली बात समझना है जरूरी था दूसरी बात ये जो वॉल होती है योग सेक की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको और डिटेल में देख सो so, ये जो योग सेक की वॉल होती है एक चीज का फॉर्मेशन और करती है वो होती है विटेलाइन ब्लड वेसल्स तो ये योग सेक की वॉल है एक तो इसने क्या बनाया इसके अंदर से विंगललाइक प्रोजेक्शन तो बनने ही थे क्योंकि ये कोरियॉन के साथ अटैच्ड थी कोरियॉन जो है ट्रोफोब्लास्ट है ट्रोफोब्लास्टिक विला है यहां पर बने साथ में ये जो वॉल होती है क्या फॉर्म करती है एक और चीज फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं विटेलाइन ब्लड वेसल्स विटेलाइन ब्लड वेसल्स इसको हम विटेलाइन ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं तो यहां पर इसका भी फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जाता है अब विटेलाइन ब्लड वेसल्स क्या करती है ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है जितने भी सिक्रीशन्स होते हैं जो यूटेरस से बॉडी के अंदर आते हैं तो वो जो पूरे एमरियो तक हमें पहुंचाना है मान लीजिए आप समझिए मेरी बात को मैं यहाँ पर डायग्राम में शो करती हूँ उसको भी तो मान लीजिए यहां पर कोई यूटेरस का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं दीज आर दी फेलोपियन ट्यूब्स एंड द रेस्ट ऑफ दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो यहां पर कहीं ना कहीं यूटेरस के अंदर अगर ये एम्ब्रियो यहां पर अटैच हो रहा है तो इस यूटेरस से जो जस, न्यूट्रिशन न्यूट्रिश जैसे इस एम्ब्रियो को मिलेगी तो उस एम्ब्रियो के अंदर भी पूरी तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कोई तो करेगा तो वो कौन करेगा विटेलाइन ब्लड वेसल्स करेंगी तो विटेलाइन ब्लड वेसल्स यूटेरस के जो कंटेंट्स आ रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है एम्ब्रियो के अंदर या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर और जो यहां पर एलेंटोइस होती है एक और लेयर होती है आप जानते हैं एलेंटोइस का नाम तो एलेंटोइस जो होती है वो यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होती है डेवलपिंग एमरियो के अंदर और कभी भी वो कोरियोन के कॉन्टेक्ट में नहीं आती सो so, कोरियॉन के कॉन्टेक्ट में सिर्फ कौन आया योग सेट की जो वॉल है वो कोरियोन के कॉन्टेक्ट में आई वहीं अगर मैं बात करती हूँ एलेंटोइस की एक और लेयर होती है एलेंटोइस इसका नाम तो आपने सुना होगा सो एलेंटोइस जो होती है वो कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं आती है कोरियोन के दूसरी बात ये कैसी रहती है पुअरली डेवलप्ड रहती है अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहती मेटाथीरियन एनिमल्स की बात करते हैं तो वहां पर योग सेक प्लेसेंटा जो होती है वो बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप्ड होती है तो मेटाथीरियन मेमल्स में कैसी होगी ये बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप्ड होगी लेकिन जो एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन होगा और जो ग्रोथ होगी वो भी फिर उसकी वजह से कैसी हो जाएगी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि योग सेक प्लेसेंटा अच्छे से अगर डेवलप नहीं हो पा रही तो उनका न्यूट्रिशन भी कम होगा सो यंग वंस जो रहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में बहुत छोटे पैदा होते हैं और इमेच्योर पैदा होते हैं इसीलिए जो रहते हैं अगर हम उनकी भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं में भी ये कैस रहता है तो उनके बेबीज इतने छोटे रहते हैं कि वो अपनी मदर के पॉकेट के अंदर सर्वाइव करते हैं क्योंकि जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से रहते हैं तो स्मॉल साइज में और इमेच्योर रहते हैं इसलिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है तो आपने केंगरू को तो हमेशा देखा होगा उसके पॉकेट में उसका बेबी वहां पर प्रेजेंट रहता है उसी तरह से तो पॉइंट बस इतना सही है याद क्या रखना है आपको कि मेटाथीरियन मैमल्स जो होते हैं उनमें योग सेक प्लेसेंटा जो होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है होती है उनमें यही वाली होती है योग सेक प्लेसेंटा ही उनमें पाई जाएगी लेकिन फिर भी कैसी होती है बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है कम डेवलपमेंट होता है इस वजह से एमरियो को जो न्यूट्रिशन मिलना है उसकी जो ग्रोथ होना है वो लिमिटेड हो जाती है कम हो जाती है इसलिए वहां पर बेबी इमेच्योर होते हैं तो डायग्राम देखिए आप एक डायग्राम और बना सकते हैं योग से एक प्लेसेंटा इन ओपोसम के अंदर सो so यहां पर ओपोसम को शो किया गया है एमनियन है योग से के यहां पर एलेंटोइस है एंड्रोडोम है मीजोडम एक्ट्रोडोम वेस्कुलर योग कोरियन नॉन वेस्कुलर योग सेक कोरियन एमनियोटिक फ्लूड एंड ऑफकोर्स जी एम्ब्रियो ये सारी बातों को आप यहां पर ड्रॉ करेंगे तो so यहां पर जो योग सेक प्लेसेंटा थी वो कम्पलीट होती है जिसको हम विटेलाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा के तो अब अब हाँ, हम लोग अगर बात करते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा के बारे में तो ये ट्रू प्लेसेंटा होती है इसको ही ट्रू प्लेसेंटा कहा जाता है तो एक पॉइंट आप क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा याद रखेंगे कि ये ही ट्रू प्लेसेंटा होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना जरूरी है दूसरी बात किस में पाई जाती है यूथ हीरियंस में और हायर मेमल्स के अंदर पाई जाती है सो so, यूथ हीरियंस का नाम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना है यूथ हीरियंस में पाई जाती है हायर मेमल्स में पाई जाती है हायर मेमल्स उसके बाद चीफ ऑर्गन भी होती है एम्ब्रोनिक न्यूट्रिशन का चीफ ऑर्गन ऑफ और एम्ब्रोनिक न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम इसी का होता है एलेंटोइक प्लेसेंटा का ही होता है तो ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे आगे बात करते हैं और फिर उसके बाद ये जिससे बनी होती है जैसे कि प्रीवियस केस में योग सेक और कोरियोन मिलकर बनी थी उसी तरह से एलेंटोइ प्लेसेंटा किसकी बनी होती है ये एलेंटोइस और कोरियोन की बनी होती है तो पीछे कोरियोन कॉमन था ना उसी तरह से कोरियोन अभी भी आप कॉमन याद रखेंगे कि कोरियन की तो बनी होती है प्लस किसकी बनी होती है एलेंटोइस की बनी होती है प्रीवियस केस में तो एलेंटॉइस का रोल प्ले बिल्कुल नहीं था लेकिन अब ये एलेंटोइ प्लेसेंटा है तो एलेंटॉइस का रोल प्ले आ जाएगा एलेन्टोइस एक तरह की सेक लाइक -like आउटग्रोथ होती है जो कि हाइंड गट जो होता है एम्ब्रियो का वहां से बनती है सो तो आप मान लीजिए ये कोई एम्ब्रियो है एम्ब्रियो का जो हाइंड गट होगा हाइंड गट वहां से कौन फॉर्म होता है ये एलेंटॉइस फॉर्म होती है सो so, एक सेक लाइक आउट ग्रोथ के फॉर्म में उसके ऊपर से उसके हाइड गट के ऊपर से ये फॉर्म होती है सो so, सिंपली आप क्या लिखेंगे एलेंटोइस इज अ सेक लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉम दी हाइंड गट ऑफ एम्ब्रियो एंड इट इज लाइंड इंटरनली बाय एंड्रोडम एंड एक्सटर्नली बाय स्प्लेटिक मिजोडम तो अगर आप इसका अभी लास्ट में डायग्राम भी शो करूंगी अभी समझते जाइए कि अगर हम एलेंटोइस की बात करते हैं तो इंटरनली अंदर की तरफ से किससे लाइंड रहती है एंड्रोडम से लाइंड रहती है वही एक्सटर्नली किससे रहती है स्प्लेनकनिक मीजोडर्म से उसकी स्पेलिंग तो लिखी लेते हैं हम लोग यहां पर स्प्लेनकनिक मिजोडर्म ये दो चीजों को याद रखना आगे बात करते हैं जैसे जैसे एलेंटोइ ग्रो करती है स्प्रेड करती है तो वो कहा स्प्रेड करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के अंदर स्प्रेड करती है इसी बात से आगे क्या होता है कि जो वो स्प्लेनक्रिक मिजोडम थी वो आगे जाकर फ्यूज कर जाती है कोरियोन के साथ या फिर किसी ऐसे रीजन में जो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रीजन रहता है यानी कि स्प्लेटिक मिजोडम को जहां नहीं पहुंचना होता है वो वहां तक पहुंच जाती है लास्ट में क्या होता है जो लेयर यहां पर न्यूली फॉर्मड हुई है इस फ्यूजन के बाद जो कि एलेंटोइस और कोरियोन का पर फ्यूजन होता है कोरियोन का और एलेंटोइस का फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर एक्स्ट्रा हुआ नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो एलेंटोइस है वो ग्रो कर रही है स्प्रेड करते करते एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी तो आ, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो एलेंटोइस होती है जब वो ग्रो करती है तो स्प्रेड होते होते एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी तक पहुंचती है वहां पर जो स्प्लेनिक म्यूजोरम है वो फ्यूज कर जाती है कोरियोन के साथ और ऐसे रीजन तक फ्यूज कर जाती है जो कि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रीजन था तो अब क्या होता है नई चीज क्या बनी फॉर एक्जाम्पल ये एलेंटोइस है एलेंटोइस को यहां शो करती हूँ एलेंटोइस है ये बढ़ती गई इसने ग्रो करता रहा एक्स्ट्रा एमरियनिक मेम्ब्रेन के अंदर ये सब हो रहा है इतना ग्रो करा इतना ग्रो करा कोरियोन तक पहुंच गई कोरियोन तक पहुंची तो एक नया रीजन बन गया अब इस नए रीजन को क्या कहा जाता है एलेंटो कोरियोन लेयर या फिर वो एलेंटो कोरियोन एरिया कहलाता है इनका कॉमन एरिया एलेंटो कोरियोन एरिया ये नया एरिया बन जाता है क्लियर भी आप कह सकते हो जो कि कैसा होता है हाईली वेस्क्यूलर होता है यहाँ पर बहुत सारी वेसल्स होती है हाईली वेस्क्यूलर होता है बहुत सारी वेसल्स यहाँ पर पाई जाती है फिर ये एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है आगे जाकर और एक चीज इसमें नई सी बनने लगती है जिसको अब हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाय तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा रीजन बना बाद में ये रीजन कैसा हो जाता है ये इस तरह से हो जाता है तो इसमें क्या नई चीज बन गई ट्रोफोब्लास्टिक विलाय बन गए अब विलाय आ गए तो विलाय का काम आप खुद समझ सकते हो क्या होगा आगे जाकर यूटेराइन की वॉल तो वहां पर है की वॉल के अंदर भी थोड़े से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम कर देते हैं वही वाली बात जैसे प्रीवियस केस में हो रहा था वहां पर बस योग प्लेसेंटा थी यहां पर एलेंटोइक प्लेसेंटा है तो वो ट्रोफोब्लास्टिक मिला है उधर भी बने थे यहां पर भी बन गए और दोनों फिंगरलाइक प्रोजेक्शन मिक्स होकर एक कनेक्शन बना लेंगे तो यहां पर इस तरीके से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूटेराइन वॉल में कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं और यहां पर यूटेराइन वॉल के जो डिप्रेशन होते हैं उनको क्रिप्ट का नाम दिया जाता है तो यूटेरस में क्रिप्ट है और जो लेयर अभी यहां नई नई बनी एलेंटो कोरियन एरिया वाली लेयर जो कि हाईली वेस्क्यूलर थी उसने ये विलाय बनाये और ये दोनों चीजें मिलकर एक नई प्लेसेंटा बना लेती है फीटल विलाय और यूटेरस के विलाय मिलकर क्या बना लेते हैं एक नई प्लेसेंटा बना लेते हैं जिसको हम नाम देने लगते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा तो यहां पर प्लेसेंटा का कंसेप्ट आपके पास आ जाता है और फाइनली अब जैसे ही यहां पर यूटेरस और इसका कनेक्शन बन गया है एम्ब्रियो एम्बर सॉरी एम्ब्रियो ने एम्बरियो के बीच में और यूटेरस जो कि मदर की है उन दोनों विलय में कनेक्शन बन जाएगा तो यूटेरस अब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी सो अगेन सेम जैसे प्रीवियस केस में कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स थी जो कि यूटेरस से जो न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करी थी अब भी ऐसे ही होगा कि ये जो नई प्लेसेंटा यहां पर फॉर्म हुई है वो क्या करेगी यहाँ पर जितना भी मटेरियल uh, है जो कि वो एब्जॉर्ब कर रही है मेटरनल ब्लड से तो उसको लेकर जाएगी एलेंटोइक प्ले ट और कहां तक पहुंचा देगी फीटर्स तक पहुंचा देगी और ये जब पहुंचाएगी तो वहां पर कौन सी ब्लड वेसल्स वर्क करेगी एलेंटोइक ब्लड वेसल्स वर्क करेगी जैसे वहां पर भी ब्लड वेसल्स थी वहां मैंने आपको उसका रिस्पेक्टिव नेम बताया था नाउ एलेंटोइ ब्लड वेसल्स अपना काम करेगी तो इस तरह की जो प्लेसेंटा होती है वो किस में पाई जाती है एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना यूथीरियंस में पाई जाती है लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन है यूथीरियंस में तो ये पाई जा रही है एक सेकेंड सो कि हम यहां पर बात कर रहे हैं यूथ हीरियंस में तो ये पाई जा रही है लेकिन एक एक्सेप्शन है पैरा पैरा मिल्स, मिल्स। ठीक है पीई आर ए एम ई एलई एस पैरामेल्स या फिर इसको बैंडीकूट भी कहा जाता है नॉर्मली बैंडीकूट इसकी बात करते हैं हम लोग बैंडीकूट क्या होता है एक मेटाथीरियन होता है लेकिन इसके अंदर फिर भी प्रिमेटिव एलेंडोइ प्लेसेंटा होती है और योग प्लेसेंटा भी होती है